चलें, ये रिकॉर्डिंग इज ऑन एंड लेटर यू गाइस कैन आल्सो आस्क मी फॉर दीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल. ओके, सो फंक्शन एंड प्रोसीजर, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सब रूटीन्स. सब रूटीन्स क्या है कि आप एक बड़े प्रोग्राम को स्मॉलर चंक्स के अंदर डिवाइड कर दो और सब प्रोग्राम्स बना लो. बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके? एक तो बेनिफिट ये है, जो एक नेचुरल सा बेनिफिट है, कि भाई आप एक बड़ा काम इकट्ठा करने के बजाय ये है कि उसको डिवाइड करो, चार पांच लोगों को दे दो, हर बंदा अपने हिस्से के जो डिवाइडेड पोर्शन ऑफ वर्क है उसके ऊपर काम करे, उसको ठीक से चलाए, रन करके देखे, जिसको हम कंप्यूटर साइंस की फॉर्म में डीबगिंग का नाम देते हैं, और बाद में उन कामों को आप जमा कर लें और आपका पूरा एक सॉफ्टवेयर बन जाए. ठीक है, एक तो एफिशिएंसी में ये नज़र आती है कि स्मॉलर पीस ऑफ कोड को रन करना, डीबग करना आसान है. सेकेंडली, जो उससे भी बहुत एक ह्यूज, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये है जिसके लिए हम एक वर्ड एक यूज करते हैं, कोड रीयूजिबिलिटी. तो ये कोड रीयूजिबिलिटी क्या है बेटा? कोड रीयूजिबिलिटी ये है कि आपने एक फंक्शन बना लिया, एक प्रोसीजर, एक सब रूटीन बना ली, ठीक है, और आप प्रोग्राम के अंदर उस सब रूटीन की बार बार आपको जरूरत पड़ रही है, तो उस प्रोग्राम के अंदर उसका बार बार नहीं लिखेंगे उस पीस ऑफ कोड को. आपने एक जगह उसको लिख के रख दिया, जब जरूरत पड़ेगी आप उसको कॉल कर लेंगे. ठीक है, उसको यूज किया, फिर जब जरूरत पड़ी उसको यूज कर लिया. तो कोड आप एक एफिशिएंटली कोड को डीबग करके आप एक जगह बना के रख दें, उसको बार बार कॉल करते रहें. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन, यू कैन रीयूज दैट कोड. Reuse that code as many times as you like in your program. तो ये एक जो programming की efficiency है उसके ऊपर इसका एक बहुत huge impact है. हम already करते हुए आ रहे हैं, मैं उसका एक तुम लोगों को hint दे देता हूँ, visual basic, क्योंकि हम लोग AS में visual basic कर रहे हैं, and as promised हम A2 के अंदर इंशाल्लाह जाके Python करेंगे. But आप questions are welcomed if during lecture if anybody has any query they can ask me straight away. अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए, अगेन आज का वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चीज़ मिस नहीं करनी, आपने इसको समझना अच्छी तरह से. एक छोटा सा प्रोग्राम हम टेस्ट के तौर पे ओपन करके देख लेते हैं. आप लोग ऑलरेडी GitHub से फेमिलियर हो, कुछ एक दो बच्चों ने मुझे कोड करके भेजा भी है, उन्होंने अपना GitHub के ऊपर प्रोफाइल भी बना लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे जो है वो GitHub के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाए, कोड बनाए, शेयर करें. ठीक है, चला. सो दिस इज द रिपोजिटरी दैट यू गाइस आर शेयरिंग विद अस अगेन एंड अगेन. ये जवानी वाली पिक्चर, खैर ये एक साल पुरानी पिक्चर है. AS सेक्शन के अंदर कोई सा एक प्रोग्राम उठा लेते हैं, तुम लोगों ने वो इंक्रिप्शन वाला प्रोग्राम किया हुआ है तो उसको उठा लेते हैं मेरे ख्याल में. स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, बेटा इंग्लैंड में चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं दिसंबर से. वहाँ पे लॉकडाउन से जो है वो जो उनका कंट्री वाइज लॉकडाउन था वो उससे लिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हालात इंशाल्लाह जल्द बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं. सुस्ती के चक्कर में नहीं रहना, कि शायद कोई हमारे सीनियर्स को जिस तरह से प्रोटेक्टेड मिल गए थे तो हमें भी मिल जाएंगे. मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, इस बार प्रोटेक्टेड का सीन नहीं होने वाला. तो बेटा आपने तैयारी अपनी पूरी रखनी है, बात में नहीं कहना कि पता नहीं चला. मुजम्मिल, अमार, मखदूम, हसनैन, हामिज, आई वेलकम इफ यू पीपल कम अप विद सम वैलिड काइंड ऑफ क्वेश्चंस. वैसे एक्नॉलेजमेंट इज ऑलवेज अ गुड थिंग, नॉडिंग योर हेड. भाई देखो भाई, बेटा ये एक छोटा सा प्रोग्राम तुम लोगों के सामने मौजूद है, छोटा सा, बड़ा नहीं है. सही है, देखो
इसके अंदर एक चीज कह रही है मेन, ये बहुत गौर से सुनिएगा। आप जब भी कभी मल्टीपल सब प्रोग्राम्स रखते हैं, बहुत सारे सब प्रोग्राम्स से मिलके अपना एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें एक मेन प्रोग्राम लाजमी होता है जिसको सब रिपोर्टिंग टू होता है। सो मेन प्रोग्राम इज लाइक ऑलवेज देयर, ठीक है, और देन यू हैव मल्टीपल सब प्रोग्राम्स। नाउ यू कैन सी दैट के इट स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट गोज टिल देयर, ठीक है, ये मेन प्रोग्राम है। इस मेन प्रोग्राम के अंदर आप अब ये चीज आप विद प्रैक्टिस सीख जाओगे, यहाँ पे आप इनक्रिप्ट स्ट्रिंग इसको कॉल कर रहे हो, यहाँ पे आप डिक्रिप्ट ये एक अदद फंक्शन या प्रोसीजर को कॉल कर रहे हो। आई एम जस्ट लुकिंग इन टू द क्वेश्चंस, बेटा वैलिड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक पूछने हैं तो पूछो, अभी ये वाली बातें इंशाल्लाह गपशप में बाद में लगा लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ अपनी सारी जो तवज्जो है, अपनी अपना फोकस अभी इस तरफ रखो, ये जरूरी है। हमेज आई एम प्रीटी श्योर के यू विल गोइंग टू लिसन टू मी, अच्छे बच्चों को, ठीक है, सारा ध्यान यहाँ पे रखो, ये ज्यादा जरूरी टॉपिक कर रहे हैं हम इसमें। गुड, ओके, तो बेटा नंबर ऑफ सब प्रोग्राम्स होंगे, उसमें जो आपका ये मेन प्रोग्राम है ना, ये लाजमी एग्जिस्ट करेगा, और इस मेन प्रोग्राम के अंदर बाकी सारे सब फंक्शंस, प्रोसीजर्स, सब रूटीन्स कॉल हो रही है। अब वीबी के अंदर, एस आई डी के अंदर आप देखें, इसको यहाँ पे क्लिक करें, इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, पूरा एक मेन प्रोग्राम जो था वो सब रूटीन है पूरी क्लोज हो गई। अब नीचे पूरा एक फंक्शन अलहदा से यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, एक सेपरेट सब रूटीन है, अब चाहे तो उसको भी क्लोज कर सकता है, ये भी क्लोज हो गए। इसका नाम क्या है, ये फंक्शन है, इसका नाम इनक्रिप्ट स्ट्रिंग है वगैरह वगैरह। फिर नीचे एक अदद और फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, इस फंक्शन का नाम डिक्रिप्ट, ठीक है, ये उसके पैरामीटर्स है लुकअप और क्लिपर कैरेक्टर, ठीक है, ये इसके बेटा पैरामीटर पासिंग मेथड्स है बाय वैल और बाय वैल, ठीक है, ये इसकी रिटर्न टाइप है। तो ये सारी चीजें हमें फंक्शन और प्रोसीजर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये चीजें भी हमें लर्न करनी है। अब इसको भी चाहे तो क्लोज कर दें, ठीक है, फंक्शन डिक्रिप्ट, फंक्शन इनक्रिप्ट स्ट्रिंग, और ये हमारा मेन प्रोग्राम सब मेन। अगर इसको मैं ड्रॉ करने के लिए जाऊं स्ट्रक्चर चार्ट की फॉर्म में, तो बेटा इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं कि मेरे पास जो है एक मेन प्रोग्राम है और उसके दो सब प्रोग्राम्स हैं, एक मेरे पास इनक्रिप्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, और एक मेरे पास जो है वो डिक्रिप्ट स्ट्रिंग। सो दिस इज हाउ दिस होल मॉड्यूल या होल सॉफ्टवेयर गोज। इसके अंदर थ्री मॉड्यूल्स है या थ्री सब प्रोग्राम्स है या सब रूटीन्स है या मेथड्स है, मल्टीपल नेम्स है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चले जी, वैसे सब रूटीन्स, मेथड्स, ठीक है, फंक्शन, प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं एक अदद मेथड भी कह सकता हूँ, इसको मैं एक अदद सब रूटीन भी कह सकता हूँ, ठीक है, और ये सब रूटीन या मेथड एक अदद फंक्शन या प्रोसीजर हो सकता है। मेथड या सब रूटीन्स की टाइप्स होती हैं फंक्शंस और प्रोसीजर्स। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिएगा, फंक्शन हमेशा वैल्यू को रिटर्न करता, प्रोसीजर वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। आई जस्ट से इट अगेन, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ सब रूटीन विच ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, ठीक है, प्रोसीजर इज अ टाइप ऑफ सब रूटीन विच डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस डेफिनेशन एज वेल, याद रखिएगा। आगे चलते, अब सवालों जवाब होने वाले हैं तो अलर्ट रहना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन है, हसन बेटा, मैं प्रोसीजर की, फंक्शंस की सबकी एग्जांपल देने के लिए जा रहा हूँ,
अभी ये जो क्वेश्चन पेज नंबर 142 आपकी पेपर 2 की ईयरली बुकलेट है, आप उसको देखें। यहाँ पर भी एक एग्जांपल हम कोट करने के लिए चाह रहे हैं, ये आपके सामने आपको डेफिनेशंस नजर आ रही होंगी। पेज नंबर 142, मई जून 18 पेपर 2 का वेरिएंट 3, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमें उसने फोर मॉड्यूल्स दिए हुए, ठीक है। मॉड्यूल 1 हैज 3 सब टास्क्स। चलिए जिसको स्टार्ट करते हैं, बाकी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनके जवाब आने चाहिए, वरना नहीं आया तो इसका मतलब तुम लोग सो रहे हो, तो जांचो। इसके एक स्नैप ले लेते हैं, चला ये हमारे पास इसकी स्नैप आ गई। यहाँ पे वो कह रहा है कि मॉड्यूल 1 हैज 3 सब टास्क्स। एक मॉड्यूल 1 है, उसके 3 सब टास्क्स हैं, 3 सब रूटीन्स हैं, 3 उसके मेथड्स हैं, तो टोटल मिला के 4 हो गए। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, ये मॉड्यूल 1 हो गया, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 4 सब रूटीन्स हो गई। लेकिन मॉड्यूल 1 के 3 सब टास्क्स हैं, तो इन सबका जो लीडर है वो मॉड्यूल 1 हो गया। तो बेटा इसकी पिक्चर आप ऑलरेडी अज्यूम कर सकते हैं कि किस तरह से बन सकती है। जैसे हमने मेन प्रोग्राम बनाया था, हमारा जो मेन है वो हो जाएगा मॉड्यूल 1। बेटा हो सकता है ये प्रोग्राम हमने क्लास में मे भी एक दफा इसको डिस्कस किया, लेकिन आज इसको समझने का जरा तरीका डिफरेंट है। आज इसको हम सब रूटीन्स के वे में पढ़ रहे हैं। तो मॉड्यूल 1 के 3 सब टास्क हो गए, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, उसमें से बेटा 2 फंक्शंस है और एक प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा, बेटा दे जस्ट नेम्ड इट, यू कैन नेम योर सब रूटीन एज एनीथिंग। डोंट गेट कंफ्यूज इट विद के वो विजुअल बेसिक में वो मॉड्यूल 1 कहता है, ठीक है। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट थिंक ऑफ इट कि उसने अपने एक फंक्शन या प्रोसीजर या अपने एक मेन प्रोग्राम को नाम दिया हुआ। इसको मैं यूं कह सकता हूँ कि यार ये मॉड्यूल 1 मेन प्रोग्राम है और ये नीचे उसके 3 फंक्शन या प्रोसीजर्स हैं, दैट्स इट। दे जस्ट नेमिंग इट, नेम आप उसको कुछ भी कर सकते हो। ओके, गुड क्वेश्चन दो, क्योंकि बच्चे समटाइम इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो मॉड्यूल 1 ये मेन प्रोग्राम हो गया, फिर ये मॉड्यूल 2 हो गया, दिस इज मॉड्यूल 3 एंड दिस इज मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर्स आपसे होने वाले हैं, आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। बेटा देखो, गौर से सुनो इस चीज को, मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे बोलने के लिए जा रहा हूँ। देखो, पढ़े लिखे और अनपढ़ बंदे में फर्क यही है कि पढ़ा लिखा जो है ना वो चीज़ों को नेम कर सकता है, बता सकता है, दिस इज द डिफरेंस ना। और ये चीज़ हम सीख रहे हैं, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को बनाया तो यही कहा था ना कि हज़रत आदम अलैहि सलाम, फरिश्तों ने कहा भी ये आपने किसको बना दिया, जो झगड़े करेगा, जो कत्लो वारत गिरी करेगा। तो गॉड सेज कि आई नो व्हाट यू डोंट नो एंड ही टीच एडम सम वर्ड्स of things that he can name, jo angels nahi kar sakte the. So that's the thing that makes you different. You study, you learn. Theek hai, to jo zyada padhta hai, jo zyada cheezon ko acha explain kar sakta hai, mention kar sakta hai, to wo utna behtar insaan hai. To beta behtar insaan banne ki koshish kare aur tawajjuh se padhe yahan pe. Theek hai? Okay. To module 2, main kuch yahan pe name dene ke liye ja raha hu cheezon ko. Ye dekho, bracket ke andar, इस ब्रैकेट के अंदर जो है ये जो वेट लिखा हुआ है बेटा, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। हाँ स्टैन, जज़ाकअल्लाह, दिस ये जरूरी है, ठीक है। अच्छा, पूरे फंक्शन को मैं लेके चल रहा हूं,
फंक्शन ये बता रहा है कि ये जो आगे चीज डिफाइन होने वाली एक अदद फंक्शन होगा, ये बेटा नेम ऑफ फंक्शन हो जाएगा मॉड्यूल टू, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो है वो इसके पैरामीटर्स डिफाइन हो जाएंगे, वेरिएबल्स को पैरामीटर्स बोलेंगे यहाँ पे। और क्योंकि ये एक अदद फंक्शन है तो इस फंक्शन हमेशा वैल्यू को रिटर्न करता है, तो ये रिटर्न करेगा वैल्यू को। और रिटर्न करेगा तो रिटर्न किस फॉर्म में करेगा, रिटर्न जो चीज़ वापस हो रही होगी उसकी डेटा टाइप क्या होगी वो भी मेंशन होगी। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है फंक्शन की, फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हुआ है। यहाँ फंक्शन का एक पैरामीटर है, मॉड्यूल टू जो फंक्शन है उसका एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर का नाम है वेट, और उस वेट की जो डेटा टाइप है वो है रियल। चलें जी, ये मैंने बता दिया। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि नीचे जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का, जिस प्रोसीजर का नाम मॉड्यूल थ्री है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं और पैरामीटर्स के नेम क्या है। बेटा पेज नंबर 142, पेज नंबर 142, 142। ठीक है, तीन पैरामीटर्स है, वेरी गुड हसनैन, अनस, जहीन फातिमा, अहमद, अरीशा खान, इनके नाम बताओ कौन कौन से तीनों पैरामीटर्स के। अब्दुल राफिक करेक्ट। वेट, कस्टमर और परचेस्ड, सो दीज आर द नेम्स ऑफ द पैरामीटर्स। बिल्कुल करेक्ट बेटा हसनैन, अमार, अब्दुल राफिक खान। अच्छा, क्योंकि ये प्रोसीजर है तो ये रिटर्न नहीं करेगा। मॉड्यूल फोर के पैरामीटर्स कौन कौन से, उसकी रिटर्न डेटा टाइप क्या क्या। जो मॉड्यूल फोर है, दो पैरामीटर्स है हमारे पास और एक पैरामीटर का नाम, बिल्कुल परफेक्ट अमार, बिल्कुल सही। एक परचेस है, एक अकाउंट है, अनस ठीक है, एक परचेस है और दूसरा वाला। बेटा यहाँ पे आप इसको देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। देखो बेटा, ये वेट मॉड्यूल थ्री की जो हम बात कर रहे थे ना, वेट कॉमा, वेट की डेटा टाइप रियल होगी, फिर कस्टमर उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग कॉमा, परचेस्ड उसकी डेटा टाइप डेट। तो हमारे पास तीन पैरामीटर्स हो गए मॉड्यूल फोर, परचेस्ड डेटा टाइप डेट कॉमा अकाउंट, ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर, ये दो पैरामीटर हो गए। क्योंकि ये फंक्शन है तो ये रिटर्न जो वैल्यू कर रहा है इंटीजर की फॉर्म में कर रहा है। चलें जी, ये हो गया लाउड एंड क्लियर। अब आगे चलते हैं और इस जगह पे जाके देखते हैं कि हमने ये जो पैरामीटर्स हैं शो कैसे करना है। बेटा देखो, मॉड्यूल टू जो वेट है ना, ये रिसीव कर रहा है, ये जो भी इसको वैल्यू मिलेगी वेट वेरिएबल के अंदर उसको कैच करेगा। तो ये मेन प्रोग्राम से मॉड्यूल टू की तरफ आ रही है वैल्यू वेट, तो इसको मैं यू शो करूंगा। ये मॉड्यूल वन से मॉड्यूल टू की तरफ आ रही है। अच्छा, वेट को इसने क्या बोला हुआ है, नीचे नाम क्या दिया हुआ है इसने, लेबल क्या किया हुआ है, एफ। तो आप इसको यहाँ पे एफ लिख दोगे, क्योंकि ये साहब एक अदद जो है वो फंक्शन है तो ये वैल्यू को रिटर्न भी करेंगे। रिटर्न का मतलब ये कि कुछ कर करा के ये रिजल्ट वापस मेन प्रोग्राम की तरफ भेजेगा भी। और डेटा टाइप बूलियन है, रिटर्न जब करते हैं बूलियन वैल्यू को तो उसे यहाँ पे लेबल दिया हुआ है, बूलियन रिटर्न वैल्यू को हम ए बोलेंगे, ए। अब मुझे ये बताएं कि मॉड्यूल थ्री कितने एरोज बनेंगे और एरोज की डायरेक्शन क्या होगी। कितने एरोज आपको बनाने पड़ेंगे मॉड्यूल थ्री के लिए और उसकी आप डायरेक्शन क्या रखेंगे। हमारे पास जो मॉड्यूल वन से मॉड्यूल थ्री की तरफ वैल्यूज मूव करेंगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, यहाँ तीन पैरामीटर्स ये रिसीव कर रहा है, तो आप थ्री टुवर्ड्स मॉड्यूल थ्री, एब्सोल्युटली वेल डन। वेरी गुड समीर, यूसुफ, जोहा, यूसुफ आलम एंड अब्दुल राफी खान। बिल्कुल बेटा, तीन एरोज बनेंगे, वन
टू, क्या ये वैल्यू रिटर्न करेगा? तो एरो वापस जाएगा मॉड्यूल थ्री की तरफ से बैक साइड. ओके, एब्सोल्युटली नहीं आएगा, बिल्कुल सब सही कह रहे हैं, क्योंकि सब में कौन कौन है बताना जरूरी है, ताकि सारे बच्चे तो हाजिर नहीं है ना हमारे. यूसुफ आलम, अब्दुल रफी खान, फारूक हुसैन, इसे पता चल रहा है ये बच्चे लेक्चर ले रहे हैं. सुफियान खान, जही, माशाल्लाह बेटा गुड. सही, मैं रीटेस्ट ले रहा हूँ बेटा बच्चों के, टेस्ट टू के अंदर इंशाल्लाह बच्चों ने इम्प्रूव करना है. मेक इट श्योर कि आपका इस वीक के अंदर टेस्ट टू हो, उसी ना 1.8 से रेलिवेंट है. सारे मानस गुड. तो बेटा मॉड्यूल थ्री से मॉड्यूल वन की तरफ कोई एरो नहीं जाएगा, क्योंकि जो मॉड्यूल थ्री है वो प्रोसीजर है, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. वेट कस्टमर और परचेस्ड, तो वेट के लिए यहाँ पे इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है एफ, परचेस के लिए लिखा हुआ है ई, ठीक है. वेट स्क्रीन पे देखो, वेट कस्टमर स्क्रीन पे देखो, ठीक है, और यहाँ नीचे ये डी, और परचेस्ड ये भी देखो, मैं एरो लगा रहा हूँ, इसके नीचे लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है. परचेस जो है वो हो गया आपका ई, तो डी ई और एफ, डी ई और एफ जो है वो मॉड्यूल थ्री ने रिसीव कर लिए. बाकी लास्ट बच गया हमारा मॉड्यूल फोर, फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर, और दो पैरामीटर बेटा रिसीव करेगा, परचेस्ड और अकाउंट. अकाउंट के लिए लेबल उन्होंने सी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है. तो बेटा आप दो एरो इस तरह से बना दोगे, अकाउंट के लिए सी था और परचेस के लिए क्या था भाई, परचेस के लिए क्या था यार, कोई बता देगा, मैं खुद ही ढूंढ लूं क्या था. परचेस के लिए ई था, परचेस के लिए ई आ गया. तो बेटा ये रिटर्न भी करेगा, रिटर्न एक एरो इसका रिटर्न भी जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, और ये रिटर्न करेगा इंटीजर. इंटीजर के लिए क्या लिखा है उन्होंने, बी, देयर इट गोस, ठीक है. तो C, E and B ये वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं, सॉरी सिर्फ B रिटर्न हो रहा है. एब्सोल्युटली, थैंक यू मास. बेटा एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने आपको पहले करके नहीं दिखाई थी, वो ये कि जब आप बूलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं ना, बूलियन जो वैल्यू आपकी रिटर्न होती है, जब भी कभी उसको किसी भी डायरेक्शन में शो करो आप स्ट्रक्चर चार्ट में, तो उसको आप फिल कर देते हो सिर्फ बूलियन डेटा टाइप के लिए, बाकी सारे इसी तरह से रहेंगे, बाकी सारे इसी तरह से रहेंगे, ठीक है, इसी तरह से रहेंगे. लेकिन अगर बूलियन होगा, हमें पता है कि मॉड्यूल टू से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो बूलियन है, तो जो हमारा ए है वो एक अदद बूलियन वैल्यू है, तो उसको सर्कल को इस तरह से फिल करोगे. दिस इज योर स्ट्रक्चर चार्ट. आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट था, दैट इज टू लर्न हाउ टू नेम थिंग्स लाइक पैरामीटर्स कैसे काउंट करने हैं, और फंक्शन और प्रोसीजर का डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशंस आप किस तरह से लिखोगे. हमने इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखा है कि आप इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमने बात की कि जनाब मोहम्मद अनस पूछ रहे हैं कि ए का आंसर क्या है. बेटा ए जो है वो बेसिकली बूलियन वैल्यू है जो मॉड्यूल टू से मॉड्यूल वन की तरफ रिटर्न हो रही है. मॉड्यूल टू बेसिकली फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप बूलियन है, तो बूलियन को हमने ए लेबल किया हुआ क्योंकि उसने हमें चार्ट में दिया हुआ, ठीक है. सो बूलियन वैल्यू का जो सर्कल है वो फिल होगा, बाकी कब कोई किसी भी दूसरी डेटा टाइप का सर्कल फिल नहीं होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है. अच्छा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था तुम्हें.
तो फंक्शन प्रोसीजर उनका डिफरेंस, फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू. और एक चीज, जितने भी सब प्रोग्राम्स होंगे, सारे सब प्रोग्राम्स में एक मेन प्रोग्राम लाजमी होगा, और उस मेन प्रोग्राम में सारे सब प्रोग्राम्स आपके कॉल हो रहे होंगे. वहीं से मेन प्रोग्राम से वैल्यूज भेजी जाएंगी फंक्शन प्रोसीजर्स को, फंक्शंस वहीं से वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे मेन प्रोग्राम के अंदर. मॉड्यूल 4 जो है वो एक क्यू रिटर्न कर रहा है. बेटा जो हमारे सिलेबस में ना फंक्शंस जितने भी हैं वो हमेशा एक वैल्यू ही रिटर्न करेंगे. रिसीव वो मल्टीपल पैरामीटर्स कर सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न होगा ना वो एक ही होगा. जैसे मॉड्यूल 2 बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मॉड्यूल 4 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एरो वापस आ रहा है. ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था अनस. रिटर्न हमेशा एक ही होगा. अच्छा, तो इसके अंदर, अच्छा अगर इस कोड के अंदर भी तुम देखोगे तो नीचे जो फंक्शन डिफाइन है, ये देखो, ये क्योंकि फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा, क्योंकि ये फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा, प्रोसीजर रिटर्न नहीं करेगा. सही है. अच्छा, नाउ मैं एक काम कर सकता था कि अभी जो काम मुझे करना है बेसिकली, कि तुम लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम पूरा लिख के दिखाऊं, स्क्रैच से कोड करके दिखाऊं. रिटर्न वाला एरो ई की तरफ हो सकता है, रिटर्न वाला एरो. बेटा रिटर्न वाला एरो यही है ना, देखो एक ये सिर्फ ये मॉड्यूल 2 फंक्शन है, वैल्यू बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है मॉड्यूल 4. हाँ वो तुम्हारी बात सही है, वो एरो को बेटा किसी भी तरह बना लो, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बल्कि ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि अच्छी प्रैक्टिस किसी भी तरह से शो कर सकते हो, एक तरफ यू बना दो, एक तरफ यू बना दो, रिटर्न वाला यू जा रहा. अब सही है, इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट, इसकी कोई लॉजिक नहीं है. तो बेटा अगली क्लास में मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये पूरा प्रोग्राम फंक्शन और प्रोसीजर्स एक हम छोटे से कुछ खुद डिफाइन करके बनाएं. और नेक्स्ट जो हमारी क्लास का टारगेट है, उसमें पहले जो चीज़ हम लर्न करेंगे वो पैरामीटर पासिंग मेथड सीखेंगे. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाय वैल, एक बाय वैल होता है और एक बाय रेफ होता है. अब बाय वैल्यू डेटा पास करते हो मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम की तरफ, और आप बाय रेफरेंस डेटा मूव करते हो मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम की तरफ. ठीक है बेटा, आज का टारगेट अचीव हो गया हमारा सब रूटीन्स वाला. ये पेज नंबर 142 वाला क्वेश्चन दोबारा कर लीजिएगा. मैंने यहाँ आपको प्रोग्राम दिखा दिया, फंक्शन प्रोसीजर्स के बारे में बता दिया. मैं रिकॉर्डिंग को